वेलकम 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 गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ऑप्शंस गाइड। तो स्वागत है आपका एक और शानदार डेली मार्केट्स वीडियो में, जिसमें हम बात करते हैं कि आज हमने ओवरऑल कैसे मार्केट देखी, जो आपको ऑलरेडी लेवल्स दिए थे। दो कल आपके लिए हम कोई वीडियो नहीं लाए थे क्योंकि आज नो ट्रेडिंग डे था सेबी के न्यू मार्जिन रूल्स के अगेंस्ट। न्यू मार्जिन रूल्स में सेबी ने बिल्कुल लेवरेज खत्म कर दिया है। अब आपको इंट्राडे एंड पोजिशनल सेम मार्जिन पे ही करना पड़ता है। जो बेनिफिट्स मिल रहे थे स्मॉल रिटेल ट्रेडर, जिसके थ्रू कम अमाउंट से भी ट्रेड कर सकते थे, वो अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। ये 100% अप फ्रंट आपको मार्जिन पे करना पड़ता है। तो काइंड ऑफ उन्हीं मार्जिन रूल्स के अगेंस्ट अपनी वॉइस रेज करने के लिए काफी सारे आप देखेंगे ट्रेडर्स कम्युनिटी में ये चल रहा था कि आज हम नो ट्रेड डे मनाएंगे, ताकि सेबी को भी पता लगे जिन लोगों के लिए ये मार्जिन रूल्स लाए जा रहे हैं वही लोग इस चीज से सेटिस्फाइड नहीं है। फिर भी कुछ लोगों ने अगर ट्रेड किया होगा कल भी देखेंगे तो बहुत परफेक्टली मार्केट ने लेवल्स पे वर्क किया था, जो हमने आपको प्रीवियसली वीडियो दी थी। एंड निफ्टी में तो हम बिल्कुल मान सकते हैं कि आफ्टर 17,000 हमारे पास लेवल्स नहीं थे, जो हमने 17,000 के कल ब्रेकआउट के बाद रैली देखने के बाद मार्केट बिल्कुल न्यू लेवल्स पे वर्क कर रहा था। लेकिन बैंक निफ्टी में ऐसा नहीं था। बैंक निफ्टी में अगर आपके पास प्रीवियस वीडियो के भी लेवल थे तो सेम उन्हीं लेवल्स पे क्या गजब से मार्केट ने वर्क किया आप देखेंगे। आपको बहुत क्लियरली क्या बताया था कि मार्केट अब ये अप ट्रेंड में आ रही है, एक ब्रेकआउट मिल रहा है बैंक निफ्टी में, और उसमें हम कहां तक जाएंगे बहुत क्लियरली हमने प्रीवियस वीडियो में मेंशन किया था, 37,000 लेवल। कल भी हमें एक ब्रेकआउट मिला था, कल भी बहुत परफेक्टली लेवल्स पे वर्क किया था, एंड आज बहुत ही परफेक्टली आपको वीडियो में दिखाएंगे कैसे लेवल से वर्क किया, तो जानने वाले पूरा डिटेल एनालिसिस। लेकिन सबसे पहले चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले, वीडियो को आगे पूरा देखेंगे तो आप अपने आप भी सब्सक्राइब कर लेंगे अगर आप न्यू हैं, क्योंकि इतने परफेक्ट लेवल्स आप इमेजिन ही नहीं कर सके मार्केट से पहले हम आपको दे रहे हैं, और जिन लेवल्स पे बैंक निफ्टी ने पता नहीं कितने टाइम से वर्क नहीं किया, अब कितने टाइम बाद हम मार्केट को इस लेवल्स पे देख रहे थे, फिर भी परफेक्टली एनालिसिस और लेवल्स के अकॉर्डिंग मार्केट ने वर्क किया। चलिए वही दिखाते हैं हम आपको एनालिसिस में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दे, बहुत परफेक्ट लेवल्स निकाल के लाते हैं आपके लिए डेली बेसिस पे। तो सबसे पहले कल की मार्केट की बात करते हैं। कल आप देखेंगे तो दो लेवल्स के मिड में परफेक्टली मार्केट वर्क कर रही थी, 36,250 एंड 36,500। पूरा दिन हमें मार्केट इन दोनों लेवल्स के मिड में ही वर्क करते हुए दिखी। अपर लेवल से डिप आता था, लोअर लेवल पे सपोर्ट, फिर अपसाइड लेवल पे जाते थे, फिर वहां से डिप देखने को मिला, एंड लोअर लेवल पे हमें बार बार सपोर्ट मिल रहा था। एंड 36,250 बहुत क्लियरली हमने मेंशन किया था कि एक अच्छा डिसेंट सपोर्ट देगा मार्केट को, काइंड ऑफ हमें ब्रेकआउट मिल चुका है बैंक निफ्टी में भी, तो बार बार बाइंग अपॉर्चुनिटी भी मिली थी, एंड अपसाइड से आप शॉर्ट्स भी बना सकते थे सिर्फ इस 250 पॉइंट्स की रेंज में, और दोनों ही लेवल्स ऑलरेडी आपको अपडेटेड थे। निफ्टी सिर्फ अप ट्रेंड में मूव कर रहा था, लेकिन बैंक निफ्टी में हमें डिप्स भी देखने को मिल रहे थे रेजिस्टेंस लेवल से, और लोअर लेवल से सपोर्ट भी ले रहा था, बोथ साइड हमने मूव देखे। निफ्टी सिर्फ अप ट्रेंड में था कल, लेकिन बैंक निफ्टी एक रेंज में वर्क कर रहा था 250 पॉइंट की रेंज, लेकिन दोनों ही लेवल्स ऑलरेडी आपको अपडेटेड थे। चलिए आज क्या हुआ उसकी बात करते हैं, फर्दर क्या लेवल्स आपको अपडेट किए हुए थे, आप खुद बताएं कि ये लेवल्स आपके पास थे या नहीं थे। 36,500 मॉर्निंग में गैप अप ओपनिंग के साथ ब्रेक हो जाता है, और जब कोई लेवल अपसाइड ब्रेक होता है तो वो क्या वर्क करता है एज अ सपोर्ट का, परफेक्टली कल एज अ रेजिस्टेंस का वर्क कर रहा था आज, लेकिन मार्केट में ये एज अ सपोर्ट का वर्क कर रहा था। मॉर्निंग में डे लो हमने यही बनाया, यहां से अप मूव देखने को मिला, कंटिन्यूस अप मूव देखने को मिला, और हमने आपको बताया भी था कि ये जो अप ट्रेंड आएगा इसमें हम कहां तक जाएंगे, 37,000 तक, वो हमारा टारगेट होगा अल्टीमेट, और अभी मार्केट हमें अल्टीमेट वहां तक जाते हुए दिख रही है, जो हमें काइंड ऑफ डेली टाइम फ्रेम पे भी एक ब्रेकआउट मिला था 36,300 लेवल से, जिसके अबाव कल भी हमें क्लोजिंग देखने को मिली थी, तो कल हमारा कंफर्मेशन डे भी कंप्लीट हो चुका था। और बहुत क्लियरली आप वीडियो जाके देखिए आपको खुद पता लगे हमने यही डिस्कस किया था कि अभी इस अप मूव में हमें ब्रेकआउट में कहां तक मार्केट जाते दिख रही है, 37,000 तक। आप देखिए वही हुआ, मॉर्निंग में लेवल्स ने बहुत परफेक्टली वर्क किया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, एक बार थोड़ा सा डिप जरूर आया था, लेकिन गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लिया और एक क्लियर कट रैली, और डे हाई ऑलमोस्ट हमने 37,000 लेवल के पास बनाया, वहां से फिर हमें डिप भी देखने को मिला, और हर लेवल ने वर्क किया। आप देखिए मॉर्निंग में तो यहाँ क्लियर कट ब्रेक हो गया 36,800, यहाँ पे तो फर्स्ट टाइम हमें ये रेड कैंडल जरूर दिखी लेवल पे रेजिस्टेंस, लेकिन ज्यादा टाइम मार्केट को ये होल्ड नहीं कर पाया, मार्केट ने इसे ब्रेक कर दिया और हम 37,000 तक गए। वहां से जब डिप आता है तो डिप में पहली बार काइंड ऑफ मार्केट को सपोर्ट दिया, लेकिन फाइनली ये ब्रेक होता है लेवल, और जब लोअर साइड ब्रेक होगा जैसे ये लेवल अपसाइड ब्रेक हुआ था तो क्या वर्क कर रहा था एज अ सपोर्ट का, वैसे ये लेवल लोअर साइड जब ब्रेक हो जाता है, कंफर्म हो चुका है कि ब्रेक हो चुका है, तो ये क्या वर्क करेगा,
रेजिस्टेंस का पिन पॉइंट लेवल्स देखो यार, पिन पॉइंट 36,800 वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा रेजिस्टेंस का। आप देखो आपके बिल्कुल सामने है 36,800, परफेक्टली मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रही है। सेकेंड टाइम दोबारा टेस्ट करती है, आप देखिए फिर से बिल्कुल परफेक्टली पिन पॉइंट इसी लेवल पे मार्केट रेजिस्टेंस लेती है। और इन लेवल्स पे मार्केट, ये नहीं है कि कोई रीसेंट ट्रेड्स हो रहे थे, बहुत मंथ्स बाद हम मार्केट को इन लेवल्स पे देख रहे हैं। और आप देखिए फिर भी ये मार्केट को कितने अच्छे से ये लेवल वर्क कर रहे हैं जो ऑलरेडी अपडेटेड थे। निफ्टी के लेवल्स नहीं होंगे आपके पास क्योंकि हमने 17,000 तक डिस्कस किया था, उसके बाद बताया था ब्रेकआउट रैली आएगी। लेकिन बैंक निफ्टी में ये लेवल्स ऑलरेडी हमने परसों वाली वीडियो में डिस्कस किए हुए थे, 36,500, 36,800 बताया था। 36,500 ब्रेक होगा तो एक 300 पॉइंट्स की रैली एटलीस्ट आएगी और मैक्सिमम देखेंगे मार्केट को 37,000 जाते हुए, परफेक्टली वो अचीव हुआ। 36,800 भी आप देखिए परफेक्टली पिन पॉइंट एज अ रेजिस्टेंस का वर्क कर रहा है। और रेजिस्टेंस से जब हमें रिवर्सल देखने को मिलता है तो डे लो हम फिर से कहाँ बनाते हैं, जहां मॉर्निंग में डे लो बनाया था 36,500 वहीं पे हम टेस्ट करते हैं, वहीं ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स का हमें फॉल देखने को मिलता है। तो बहुत परफेक्शन से आप देखिए, इतने परफेक्ट लेवल्स आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। आप कहीं सर्च आउट कर ले आपको ये लेवल्स नहीं मिलेंगे। और आप देखिए परफेक्टली लेवल वर्क कर रहे हैं, 36,500 मॉर्निंग में भी डे लो यही बना, डे एंड में भी जब फॉल आया तो भी हमने यहीं पे लो बनाया, डे हाई आप देख ले वो भी लेवल था और जो मिड में लेवल था परफेक्टली मार्केट ने वहां काइंड ऑफ सपोर्ट भी लेने की कोशिश की। आप देखें यहाँ ठीक है, होल्ड भी करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे रैली में पहली रेड कैंडल भी इसी लेवल पे बनी थी और यहाँ पे तो आप देखिए कितने कमाल से एज अ रेजिस्टेंस का वर्क कर रहा है 36,800। तो इतनी परफेक्शन के साथ हम आपको लेवल देते हैं, इसीलिए कहते हैं लेवल्स को जरूर अपने चार्ट पे मार्क करके रखें। इंट्राडे में आपकी जरूर हेल्प करेंगे, ये आपको बहुत सिस्टमेटिकली बताएंगे कि आपको कहाँ पे बुक करने हैं ट्रेड्स, कहाँ पे बनाने हैं ट्रेड्स, सब कुछ आपको लेवल्स के थ्रू पता लग जाता है सब। तो ये बात हो गई इंट्राडे मार्केट की, परफेक्टली लेवल्स पे वर्क हुआ। आज एक रैली के बाद हमें मार्केट में डिप देखने को मिला दोबारा। बैंक निफ्टी तो फिर भी पॉजिटिव क्लोज हुआ है और निफ्टी में हमें एक नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिली। अब आगे क्या एक्सपेक्टेड है, तो कल के लिए आपके पास ऑलरेडी लेवल है या नहीं आप बताओ। ऑलरेडी लेवल है, क्यों नहीं है, 36,500 सपोर्ट का वर्क करेगा ठीक है, रेजिस्टेंस 36,800 एंड 37,000 दोनों रेजिस्टेंस लेवल फिर से वही है। जिन लेवल्स के बिलो होती है मार्केट तो वो एज अ रेजिस्टेंस का वर्क करते हैं और जिन लेवल के अबव होती है वो एज अ सपोर्ट का वर्क करते हैं। तो दो रेजिस्टेंस लेवल क्या है क्लियर कट, 36,800 एंड 37,000 और दोनों ही लेवल अपनी वर्थ ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं ठीक है। और सपोर्ट लेवल्स भी आप देखेंगे मार्केट सपोर्ट लेवल पे भी वर्क कर चुकी है, पहले अच्छे से रेजिस्टेंस का भी वर्क कर चुका है और आज एज अ सपोर्ट का भी वर्क किया। सपोर्ट लेवल दो निकल के आते हैं 36,500 एंड 36,250 क्लियर कट, ये दोनों सपोर्ट लेवल है और दो हमारे रेजिस्टेंस लेवल है। सिंपली लेवल्स को मार्क करना है और लेवल्स को फॉलो करना है, बहुत परफेक्टली वर्क करते हैं यार, इतनी परफेक्शन के साथ। शायद ही आपको कहीं और लेवल मिले तो जरूर इन लेवल्स को मार्क करें और आप टेस्ट कर सकते हैं, पुरानी वीडियो जाके देखिए आपको यही सेम लेवल ऑलरेडी मिल जाएंगे। तो ये बात हो गई बैंक निफ्टी की, अब देखते हैं निफ्टी में क्या हुआ। भाई बैंक निफ्टी में तो लेवल्स थे लेकिन निफ्टी में लेवल्स नहीं थे, फिर भी क्या हुआ कल देखो, कल हमने किन लेवल्स पे बात की थी, कल आपको बताया था कि 17,000 साइकोलॉजिकल लेवल भी है, राउंड फिगर भी है, वहां पे मार्केट में एक रेजिस्टेंस है। तो कल हमने गैप अप ओपनिंग में भी मार्केट को रेजिस्टेंस लेते हुए देखा और सपोर्ट कहा था, बाइंग एरिया क्या था। जब हम अपसाइड जा रहे थे ट्यूजडे को तो हमने क्लियरली आपको बताया था कि 16,910 रेजिस्टेंस भी होगा और टारगेट भी होगा। अब वो कल ब्रेक हो चुका था ठीक है, अब ब्रेक होने के बाद उसे क्या वर्क करना था, और आपको सुपर ट्रेंड में भी दिखाया था कि ये बाइंग लेवल होगा, अगर इसके पास मिलती है मार्केट तो आप यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। और आप देखिए वही हुआ, मार्केट में डिप जरूर आया लेकिन इसी लेवल ने, बिल्कुल फ्रेश लेवल्स पे बात कर रहे हैं हम निफ्टी में, कभी इन लेवल्स पे वर्क नहीं हुआ, बिल्कुल न्यू लाइफ टाइम हाई, बिल्कुल न्यू लेवल जिन पे कभी वर्क नहीं किया, फिर भी आपको इतने मैजिकल लेवल्स हमने दे दिया आपको। 16,910 एज अ सपोर्ट का वर्क करता है, आई थिंक 3-4 पॉइंट्स अबव ही सपोर्ट लेके हमें फिर रैली दिखाती है, फिर से 17,000 के आसपास मार्केट रेजिस्टेंस लेती है और यहाँ पे फिर से एक और बार रेजिस्टेंस लेती है, लेकिन काइंड ऑफ फिर हमें यहाँ ब्रेकआउट मिल जाता है, कन्फर्मेशन कैंडल्स भी मिल जाती है। अब जब ब्रेकआउट मिल जाता है, कन्फर्मेशन कैंडल मिल जाती है, तो हमने आपको क्या बताया था, 17,000 के अबव लेवल्स नहीं है लेकिन 17,000 एक मेजर रेजिस्टेंस है और यहाँ से ब्रेकआउट के बाद एक बहुत गजब की रैली आपको जरूर देखने को मिलेगी। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो आप क्लियर कट लॉन्ग्स बना सकते हैं। तो वही हुआ मार्केट में, ये एक शार्प रेड कैंडल जरूर बनी थी जहां आपको दोबारा बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली थी 17,000 की,
क्योंकि ये ब्रेक हो चुका था, अपसाइड थे तो दोबारा डिप जब आया तो आप दोबारा बाइंग कर सकते थे, और उसके बाद लोअर साइड जाने के लिए कोई फॉलोअप कैंडल भी नहीं बनी। कोई रेड कैंडल यहाँ पे बनती तो वो दिखता कि दोबारा मार्केट लोअर साइड आएगी, लेकिन वैसी कोई कैंडल नहीं बनी, तो क्लियर कट यहाँ पे बता दिया कि मार्केट इस लेवल पे ले रही है सपोर्ट, और वहां से आती है एक वन साइडेड रैली, गजब की रैली देखने को मिली। जबकि हमारा बैंक निफ्टी स्ट्रगल कर रहा था, आप देख रहे थे सिर्फ 250 पॉइंट्स की रेंज में स्ट्रगल कर रहा था, और यहाँ देखेंगे 250 पॉइंट तो हमारी निफ्टी ही अपसाइड मूव हो गई लोअर लेवल से। तो अब ये रैली जरूर कैच कर सकते थे 17,000 के ब्रेकआउट से भी एंड 16,910 के सपोर्ट लेवल से भी, जो दोनों लेवल्स आपको अपडेट किए थे। तो एनालिसिस को ध्यान से देखा करे, पूरी वीडियो देखा करे, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट मिस ना करे। ये हमने क्लियर कट बताया था कि 17,000 एक रेजिस्टेंस है, और वो अगर ब्रेक हुआ तो ब्रेकआउट रैली फिर से आ जाएगी, और वही हुआ एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये तो कल के दिन की बात हुई, आज क्या हुआ? आज आपके पास अपसाइड लेवल्स नहीं थे, ये नहीं कह सकते कि ऑलरेडी अब लेवल्स थे इन पे आपको ट्रेड करना था, ऐसा नहीं था। 17,000 तक ही हमने लेवल बताए थे, और उसके बाद बताया था एक रैली आएगी, ब्रेकआउट रैली। अब न्यू लेवल्स हम आपको अपडेट कर रहे हैं जो आपको कल हेल्प करेंगे। अभी मार्केट की क्लोजिंग इन दोनों लेवल्स के मिड में आए, तो 17,000 जो ब्रेकआउट लेवल था वो अब क्या वर्क करेगा? इसके अबव है मार्केट तो क्या वर्क करेगा? एज अ सपोर्ट का। तो पहला सपोर्ट आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है 17,000। रेजिस्टेंस लेवल क्या है? इसके अबव लेवल नहीं थे 17,000, तो फिर भी आपके पास लेवल था। अपसाइड लेवल्स क्या है? तो अपसाइड में पहला लेवल आता है अब रेजिस्टेंस का 17,100। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लेवल 17,150 एंड फाइनली 17,225, जहां ऑलमोस्ट हमने निफ्टी का न्यू लाइफ टाइम हाई लगते हुए देखा है। तो तीन रेजिस्टेंस लेवल 17,100, 17,150 और 17,225, और हम ये नहीं कहेंगे कि ये लेवल्स हमने आपको ऑलरेडी दिए हुए थे, हमारे लेवल्स पे वर्क किया, नहीं, हमने 17,000 लेवल तक की बात की थी, और कल हम आपके लिए कोई वीडियो नहीं लाए थे, तो ये लेवल्स फ्रेश हम आपको अपडेट कर रहे हैं। बैंक निफ्टी में जरूर आपको लेवल हमने दिए थे और उन्होंने मैजिकल वर्क भी किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज का एनालिसिस था, होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड हमारा जो नेक्स्ट हेजिंग बैच है, जहां हम आपको लाइव ट्रेड्स के साथ हेजिंग सिखाते हैं, वो 13 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। एंड हाँ, एक स्पेशल ऑफर भी चल रहा है, अब स्टॉक ने फिर से एक दो दिन के लिए अपनी जो अकाउंट ओपनिंग है जो उसने चार्जेबल कर दिया था उसे फिर से फ्री कर दिया है। तो अगर आज ही आप अपना अपस्टॉक में अकाउंट ओपन कर तो वो बिल्कुल फ्री आपके लिए ओपन हो जाएगा। तो जल्दी से अपना अकाउंट अगर आपको अपस्टॉक में ओपन करना है तो वो आज आप कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है आज के लिए अपस्टॉक्स में अकाउंट ओपनिंग। इसके अलावा बाकी ब्रोकर्स के भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड टेलीग्राम पे भी अपडेट कर दूंगा, तो आप किसी भी लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसके बाद हम आपको अपने नेक्स्ट हेजिंग बैच में एड कर लेंगे, जहां 1 वीक हम आपको लाइव ट्रेड्स के साथ हेजिंग सिखाते हैं। तो होप आपको ओवरऑल आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो इतने परफेक्ट एनालिसिस के बाद तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे हो, एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कर दें। तो आज की वीडियो में इतना ही, होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।